وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم او كما قال النبي عليه الصلاة والسلام All praise and thanks are Allah's, the Lord of the Alameen, mankind, jinn and all that exists. You honor only the truly judge. The day of recompense means the day of resurrection. You only be worshipped. You only be asked for help, each and everything. Guide us to the right path, to the straight way. May praise be to Allah and cherish the sustainer of the world. And may the blessings and peace be upon the master of prophets, on all of his companions. The primary aim of education is to prepare and to qualify the new generation for participation in the development cultural society. नराशं संवाजिनं वाजन्नि शरीरं पूषणं सन्मैरीभे रथं न दुर्गादवसव सुदानवो विश्वसम्मानो अहं सोनिष्पिपर्ता प्रथमादारका जीववा दियोदियन् मुज्यते तृतीयानं कोण्डलाकार चतुर्थर्दे चंद्रका पंचम विन्दु संयुक्ता ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमदुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति ओम शांति ओम शांति। गिरामी कद्र सामईन किराम और स्टेज पर जनाब सदर जलसा मुअज्जज अकाबिर उलमाए किराम, ये जलसा मदरसे के बैनर तले मुनाकिद किया गया है। मदरसा उस जगह को बोलते हैं जहां पर शरीयत की, कुरान करीम की, अहादीस रसूल की मुसलमान अपने बच्चों को उसकी तालीम देते हैं। ये एक धार्मिक, ये एक मजहबी इदारा होता है। इस तरह का निजाम पूरी दुनिया के अंदर किसी भी कौम में, किसी भी मुल्क में नहीं पाया जाता है। यह निजाम इस्लाम धर्म के अंदर मुसलमानों के बीच यह निजाम पाया जाता है और इसका सिलसिला, इसकी निस्बत किसी न किसी शक्ल में अस्हाब सुफा रजी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन से जाकर मिलता है। सबसे पहला मदरसा, उसकी शुरुआत वहीं से होती है। तब से लेकर आज तक 1450-55 साल गुजरने के बाद भी हमारे बीच आज अपने धर्म को जानने के लिए, अपने मजहब को पहचानने के लिए, अपने कुरान को सीखने और सिखाने के लिए आज भी वो निजाम कायम और दायम है। यही वजह है
कि आज तक कुरान करीम के अंदर शरीयत के अंदर कोई तब्दीली नहीं पाई जाती है। बहुत से लोग कोशिश भी करते हैं कुरान करीम के अंदर तब्दीली, कुरान करीम की लाइन और आर्ट में बहुत से ऐसे ऐसे अभी के जमाने में रिसेंटली अभी कुछ दिनों पहले भी एक जालिम आदमी ने कोशिश की थी अपना नाम पूरे कुरान में अल्लाह की जगह पर अपना नाम लिखवाने की उसने कोशिश की, लेकिन बहुत दर्दनाक मौत उसकी हुई। और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस बात पर गर्व भी करते हैं, फख्र भी करते हैं कि हमारे कौम के लोग हत्तल मुसाद जहां तक हो सकता है वो अपने इन मदरसों को चलाने के लिए उलमाए किराम को उनका मुआवजा और उनकी तनख्वाह देने के लिए, बच्चों के अखराजात को मुकम्मल करने के लिए किसी ना किसी दर्जे में वो अपना पेट काट कर तावन पेश करते, और शायद इन्हीं कुर्बानियों और इन्हीं हौसलों की वजह से आज आपकी शरीयत बाकी है, आज आपका कुरान महफूज है। वरना बहुत कोशिश की जा रही, डराया और धमकाया जाता है, ऐसा डिमोरलाइज करने का मंसूबा बनाया जाता है। दुनिया के जालिम लोग बनाते हैं कि जिससे ये मुसलमान कौम अपने कुरान को छोड़ दें, अपने मदरसों को छोड़ दें, उलमाए किराम से इनका रिश्ता मुनक़ित हो जाए। हमने रात भी जलसे में ये बात कही थी, हमने कहा कि जो लोग ये सोचते हैं कि हम उलमाए किराम से आवाम का रिश्ता काट देंगे, आवाम को मदरसों से ताल्लुक से बदजन कर देंगे, इनके मदारिस बंद हो जाएंगे, उलमाए किराम से रिश्ता मुनक़ित हो जाएगा, लोग बदजन होंगे, चंदा वो नहीं दे पाएंगे, इनके मदारिस बंद हो गए, हमारा मंसूबा और हमारी साजिश कामयाब हो जाएगी। मेरे भाइयों क्यों? क्योंकि फिरका परस्त आप जानते हैं इस भारत की धरती पर नहीं पूरी दुनिया की फिरका परस्त ताकतें जितनी भी हैं वो सब जानते हैं कि जब तक इस जमीन पर मदारिस मौजूद हैं, जब तक इस पृथ्वी पर उलमाए किराम का वजूद बाकी है, कुरान करीम के सुनने और सुनाने वाले मौजूद रहेंगे, तब तक हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। ये वो जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, और उन्होंने उसका मुशाहदा भी किया है। अब से 70-80 साल पहले जब इस देश के अंदर कुछ जालिम अंग्रेज आए थे तो उस वक्त उन्होंने देखा भी था। उन्होंने पूछा एक मुस्लिम नुमाइंदगी करने वाले एक लीडर से, मुसलमानों की नुमाइंदगी कर रहे थे अंग्रेज के जनरल ने कहा कि ये मुसलमान, ये इनको ताकत कहां से मिलती, ये हर तीसरे दिन आ जाते हैं मैदान में लड़ाई करने के लिए, मुकाबला करने के लिए, सर पे कफन बांध कर हाथ में तलवार लेकर आ जाते हैं, इनको लालच कहां से मिलता है, इनको फंडिंग कहां से की जाती है। तो उसने कहा कि इसके पीछे कोई लीडर नहीं है, इसके पीछे कोई नेता नहीं है, इसके पीछे कोई बड़ी ताकत दुनियावी नहीं है, बल्कि इनके भीतर ऐसी ताकत है जिसका महाबिस अल्लाह तबारक व तआला है, और जब तक वो चीज
और जब तक वो ताकत इनके बीच में रहेगी, तुम लाख कोशिश कर लो, तुम मार डालो, काट डालो, फांसी के फंदे पर लटका दो, दरख्तों के अंदर गर्दनें लटका दो और गाय के खाल के अंदर लपेट कर उनको आग में डाल दो, सूरज के सामने उनको नंगा करके उनको अजियत दो, ये तक भी बाज नहीं आ सकते हैं। ताकि वो कौन सी ताकत, ताकि वो ताकत कुरान करीम की ताकत है। इनके बीच में जब तक कुरान करीम का पढ़ने और पढ़ाने वाला होगा, तुम कभी भी उनसे मुकाबला नहीं कर सकते। तो जालिम अंग्रेज ये कहा कि काम करते हैं, चलो हम कुरान को ही मिटा देते हैं, हम कुरान को ही खत्म कर देते हैं। तब देखें कि इनके पास इनकी हिम्मत कहां तक है, हम तो कुरान को मिटा देंगे। 3 लाख कुरान करीम के नुस्खे जला दिए गए थे दिल्ली के मदरसों से खींच खींच कर, निकाल निकाल कर। मदरसे के पाक में अलमारियों में कुरान करीम के पारे और नुस्खे रखे गए थे। 1860 से लेकर 63-64 तक वो कुरान करीम के नुस्खे जलाए गए, भस्म कर दिया गया। किसी भी मदरसे में एक भी नुस्खा कुरान करीम का नहीं बचा। तब उस वक्त जालिम अंग्रेज ने कहा कि हमने कुरान को मिटा दिया। रही बात इन मदरसों की, इनमें बुलडोजर चला दूंगा मैं, इन मदरसों को तोड़वा दूंगा, शहीद कर दूंगा, खत्म हो जाएंगे। और ये टोपी और दाढ़ी वाले, ये मासूम बच्चे जो कुरान पढ़ने वाले हैं, ये खुद अपने घरों को चले जाएंगे और जो सीना तान कर खड़ा होगा उसके सीने को चीर कर रख दिया जाए। जालिम अंग्रेज ने धमकी दी, किसी आपके मदरसे से किसी आलिम दीन जैसा वहां पर दीवाना खड़े थे, उन्होंने कहा कि अंग्रेज तुम पागल हो, तुम कौन सी ग्रंथ को मानते हो। उन्होंने कहा कि दी फॉल ऑफ बाइबल मतामा मसलो का योहन्ना बरनया, एंड वी बिलीव इन बाइबल एंड आल्सो वी ट्रस्ट इन वन गॉड, हम एक ईश्वर को मानते हैं, हम भी हम बाइबल पर अमल करते हैं, ईसा और जीसस को मानते हैं, लेकिन हम तुम्हारे कुरान के दुश्मन हैं, हम तुम्हारे उलमा के दुश्मन हैं, हम इसको खत्म कर देंगे। तो आलिम दीन ने कहा तुम्हारा बाइबल महफूज है। उन्होंने कहा कि बाइबल हमारा महफूज नहीं है, बाइबल में मता मसलो का योहन्ना बरनयास आता है। कहा कि उसके अंदर तब्दीली कर दी गई। कहा क्यों तब्दीली की गई? कहा पता नहीं। कहा इसलिए तब्दीली की गई तुम्हारे बाइबल में क्योंकि उसका हिफाजत करने वाला कोई नहीं है। नाजिल तो किया है बाइबल को, तौरात को, इंजील को, दोनों को मिलाकर बाइबल बोलते हैं। इन दोनों ग्रंथों को अल्लाह ने आसमान से जमीन पर उतारा। ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील, तौरात हजरत मूसा को दिया। तब्दीली आ गई, अल्लाह ने उतारा जरूर था लेकिन अल्लाह ने उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं ली थी। तो उस अंग्रेज से कहा कि तुम्हारे पास जो ग्रंथ है वो ग्रंथ महफूज है? कहा कि नहीं। कहा क्यों महफूज नहीं? कहा उसका प्रोटेक्टर कोई है ही नहीं। कहा एक दो लाइन याद है तुमको सुना दो। कहा कि हमको बाइबल बिल्कुल भी याद नहीं। कहा कि तुम इस कुरान को मिटा सकते हो? कयामत आना आसान है लेकिन तुम्हारा कुरान को मिटाना नामुमकिन है। कहा क्यों? कहा कि जहां से तुम्हारा इंजील और तौरात आया था, द ईश्वर सेंट डाउन द जीसस टू टू जीसस एंड टू टीच द पीपल व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट, क्या सही है क्या गलत है, ये बताने के लिए हजरत ईसा और हजरत मूसा को दिया था, लेकिन उसको बदल दिया तुमने। सेम इसी तरीके पर अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया है इस धरती पर, इस पृथ्वी पर, इस जमीन पर, लेकिन अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया उसके साथ साथ में ये भी कहा तुम जैसे जालिम डाकुओं से निपटने के लिए। कहा कि अंग्रेज है दज्जाल के चेलो, तुम चाहे पूरी ताकत लगा लेना, तुम कुरान को नहीं मिटा सकते। क्यों? इसलिए कि कुरान का नाजिल करने वाला भी मैं हूं और इस कुरान का मुहाफिज भी मैं हूं। तुमने 3 लाख कुरान के नुस्खों को जलाया, मदरसों से निकाल निकाल कर तुमने सोचा कि कुरान खत्म हो गया, हम हाफिज आ जाए।
सारी उम्मत मोहम्मदिया को काट डालेंगे, इनको जहन्नम में डाल देंगे। लेकिन ये तुम्हारी गलत सोच है। क्यों? इसलिए कुरान आज भी महफूज है। कहां कुरान महफूज है? मैंने 3 लाख कुरान के नुस्खों को जलाया है, अब कहां कुरान महफूज है? ताकि आप उनको दिखाता हूं कि कुरान कैसे महफूज है। आपके हमदिया मदरसे से निकला हुआ एक तालिबे ऐसे मदरसों से निकलने वाला एक छोटा सा बच्चा 9 साल का 10 साल का, उसको मौलाना ने कहा कि बेटा चल तो कुरान करीम पढ़ना शुरू कर। वो बच्चा हाथ में कुरान था, उसने पढ़ना शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फी सयक़ूलु सुफ़हा तिलका रुसुल लन तनावल मुनसनात ला युहिब्बुल्लाह इज़ा समिउ ولو اننا قال الملا وعلموا يعتذرون وما من دابه وما ابرئ ربما سبحان الذي قال لم اقل اس طریقے سے پڑھتا گیا 1 سے لے کر 30 پارے تک من الجنۃ والناس تک وہ 9 سال کا معصوم بچہ ہاں اس طریقے سے اٹھا کر نیت بات کر کھڑا ہو کر وہ بچہ 9 گھنٹے کے اندر پورا قرآن سناتا ہے بنا دیکھے ہوئے اس ظالم انگریز کے پسینے چھوٹنے لگتے ہیں کہ یہ کمپیوٹر ہے सकते हो। इसलिए कि सीने के अंदर महफूज है। तब उस अंग्रेज ने तौबा किया कि मैं पूरी दुनिया के कुरान के नुस्खों को जला सकता हूं, लेकिन मासूम बच्चों के सीनों में जो कुरान इन मदरसों के जरिए से जो डाला गया है, मैं उस सीने को कभी बर्बाद और जला नहीं सकता। तब कहा गया उनको इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, अल्लाह ने इसकी ताकी इन्ना बेशक हमने नहनु नज़्ज़लना, नहनु जमीर है, जमा की जमीर है, नहनु नज़्ज़लना ताकी यकीन पैदा करने के लिए। उलमा इकराम का हमारे नौजवान साथियों का एक बड़ा तबका, नहनु नज़्ज़लना हमने उतारा, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र वो इन्ना लहू और बेशक हम ही इसके मुहाफिज हैं। सफेद चमड़े वाले अंग्रेज तुम कुरान के नुस्खों को जला सकते हो, लेकिन कुरान करीम जो बच्चों के सीनों में है, हमारे दिलो दिमाग में जो है, तुम उसको कैसे जलाओगे? तब वो तौबा किया, उसने कहा कि वाकईतन इस कुरान का मुहाफिज वो अल्लाह, वो ईश्वर, वो परमात्मा। और ये कुरान हमारे हिंदू भाई अगर सुनते हैं तो वो बोलते हैं कि मौलाना क्या कुरान कुरान बोलते। अभी अब हमारे सीमांचल पूर्णिया में एक लड़का हमको फोन करके बोलता है कि मौलाना अब्दुल्ला साहब, हम हिंदू भाइयों में कुरान का इस्लाम का पैगाम हम देते हैं उनको। हमने कहा कैसे देते हो पैगाम, कैसे दावत देते हो? तो बोला हम जाके यूं कहते हैं उनके पास, हिंदू भाइयों के पास, कि हमारे हिंदू भाइयों, अल्लाह ने हमारे कुरान में कहा कि एक अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह ने कुरान में कहा कि मोहम्मद को आखिरी रसूल मानो, नबी मानो। हमने कहा कि भाई साहब, अगर आपने इस तरीके से दावत दी तो आज के डेट में भारत में आप रह रहे हैं, तुम्हारा मॉब लिंचिंग कर दिया जाएगा किसी दिन, और तुम्हारा सर का बाल उखाड़ उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। बोला क्यों? हमने कहा कि देखो, आपके सामने अगर कोई हिंदू भाई आकर ये कहे कि मौलाना अब्दुल्ला साहब, आप ईश्वर की पूजा कीजिए, आप ब्रह्मा सूत्र पढ़िए, आप गायत्री मंत्र पढ़िए, ओम भूर्व स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिवस्य धीमहि तयोजो नः प्रचोदयात्। मैंने जितने भी कुछ श्लोक आपके सामने मंत्र जो पढ़ा है, वो आपको खुश करने के लिए नहीं, बल्कि जो मैंने कुरान और हदीस पढ़ी है, सेम वही मतलब इन श्लोक और मंत्र के अंदर वेदों में जिक्र किया गया है। तो इसीलिए ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि आप जो कुरान पढ़ते हैं, हम मुसलमानों के पास जो कुरान है, हदीस है, उनके अंदर जो मजामीन है, उनमें से बास ऐसे ऐसे मजामीन जो हिंदू भाइयों के ग्रंथों के अंदर मौजूद है। Therefore, we should to be proud to be Muslim.
हमें मुसलमान होने पर गर्व इसलिए है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अमन का, वहदानियत का, सीरत का, नबी का पैगाम बहुत सी ग्रंथों के अंदर मौजूद। तो उन्होंने फिर हमसे कहा कि मौलाना कैसे उनको बताएं। हमने कहा कि भाई तुम उनको कुरान करीम के बारे में कहोगे कि अल्लाह ने कुरान में बयान किया, शुरू में बताओगे तो आपका बुरा हो जाएगा, तुम्हारा तुमसे लड़ाई कर ले। इसी भी सनातन धर्मी भाई से ये रखो, अगर सनातन धर्मी भाई को अपनी बात पेश करनी है तो आप उनसे कहिए कि आप हिंदू धर्म से बिलोंग रखते हैं, आप जैन धर्म से बिलोंग रखते हैं, आप बुद्धिस्ट हैं, बैठिए, आप एक ईश्वर को मानते हैं। वो कहेगा कि हाँ मानते हैं। आप अगर जानकार हैं तो आप कहिए कि एक ईश्वर एको देवा, एको देवा, देव परमात्मा एक है। आप संस्कृत में बोलेंगे तो कट्टर से कट्टर हमारा हिंदू भाई अपना अपनी संस्कृत और अपनी ग्रंथ की बात सुनने के लिए वो करीब बैठ जाते हैं, सुनते हैं। फिर उसको कहो कि एक ईश्वर की हमें पूजा करनी चाहिए, हमें एक परमात्मा की ही भक्ति करनी चाहिए, उन्हीं के मंत्र पढ़कर उनको आप समझाएं। जो आदमी दावा का काम करता है, तबलीग का काम करता है, तो उनको ये नॉलेज होने चाहिए आज की डेट में। वरना आज की तारीख में अगर आप ये कहेंगे किसी को जाकर के पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो तो दूर की बात है। पहली बात तो दाढ़ी और टोपी देख करके लोगों के तेवर बदल जाते हैं, आपके पीछे लग जाते हैं लोग। नहीं, तो हमने उनको समझाया कि आप इस अंदाज में पेश कीजिए अपने कुरान की बात। अल्लाह ने कुरान में कहा कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। आप कह दीजिए उसी को कि देखिए आपके ईश्वर ने भी आपके वेदों के अंदर कहा गया एको देवा सर्वभूतेषु गुणा, देव एक है, परमात्मा एक है। मतलब क्या है इसका? मतलब वही जो कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद का। दोनों के बीच में मतलब के एतबार से समानता है, बस गलती चूक कोताही इसलिए हो रही लोगों से कि वो लोग कुरान करीम के बारे में एक गलत अफवाह फैला दिया, इन मदरसों के बारे में गलत अफवाह फैला दिया कि मदरसों में क्या होता है, मदरसों के अंदर तलाशी ली जाती, अब वहां पर अगर कोई डंडा मिल जाता है बच्चों को तंबी करने के लिए तंबीहुल गाफिलीन, तो उसके ऊपर इंडिकेशन लगा देते हैं कि अरे मदरसों में डंडा मिला, बच्चों के ऊपर जुल्म ज्यादती की जाती, ये इंडिकेशन लगाते हैं। कोई बच्चा मदरसे से भाग कर घर जाता है तो कहते हैं कि ये तो दहशतगर्दी के ट्रेनिंग लेने चला गया। मदरसों से तरफ शक्ति निकाल उठाकर देखने वालों, एक बात हम आप लोगों से बता देना चाहते हैं, हमारा ये मदरसा इस धरती पर है तो ये दुनिया कायम है। जब जब चांद सूरज की रोशनी रहेगी उस वक्त तक ये मदरसा रहेंगे, ये मकाना रहेंगे। कितनों ताकत लगा लो, कितनों कोशिश कर लो, ये मदरसा नहीं खत्म कर सकते। तुम कुछ मदरसों को बंद करोगे, तुम कुछ मदरसों के ऊपर ताले लगाओगे, लेकिन उलमाए किराम को, कुरान को, शरीयत को हमें किसी इमारत की जरूरत नहीं है। जैसे वो अनार के दरख्त के नीचे बैठकर वहां पर एक इल्म का कुआं चला था, और आज पूरी दुनिया के अंदर इल्म का काम लिया जाता है, दीदी काम का पैसे पूरी दुनिया के अंदर जारी व सारी है। हमें कुरान की तालीम देने के लिए, हमें शरीयत की तालीम देने के लिए किसी बिल्डिंग की जरूरत नहीं है। हम एक पेड़ के दरख्त के नीचे बैठकर अपने बच्चों को कुरान करीम की तालीम दे सकते हैं, अपने बच्चों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बता सकते हैं। और एक बात याद रखना, हमें मदारिस को चलाने के लिए किसी की खैरात की जरूरत नहीं है। आपके सैयद साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपके अराकीन मदरसा यहाँ पर बैठे हुए हैं, मालूम होगा उनको हम दो रोटी नहीं एक रोटी खाएंगे, एक रोटी बचाएंगे, हम अपने मदरसे के अंदर बच्चों को भेजेंगे ताकि हमारा मदरसा कायम कायम रहे। मदरसे के अंदर तालीम किसकी होती? कुरान की होती। और कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी किसके है? अल्लाह के ऊपर है।
क्यों मनाया 26 जनवरी? 26 जनवरी को रिपब्लिक डे कहा जाता, यौम जमहूरिया। 26 जनवरी में 1950 में ये पूरे भारत के अंदर कानून लागू किया गया था, संविधान नाफिज किया गया था। ये देश आजाद हुआ था, ये देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। 1947 को जब देश आजाद हो गया तो अब ये देश चलेगा कैसे? कानून संविधान तो था ही नहीं, क्यों? क्योंकि उससे पहले अंग्रेज का शासन था, ब्रिटिश गवर्नमेंट थे, और ब्रिटिश गवर्नमेंट से पहले कौन थे? बादशाह लोग थे, राजा महाराजा थे, और राजा महाराजा का अपना तानाशाही उनका हुआ करता था, उनका अपना कानून होता था। उससे पहले कौन थे? उससे पहले ब्रह्मणिज्म, उससे पहले कौन थे? उससे पहले इस देश के अंदर आपको ताज्जुब होगा, आदिवासी इस देश के मूल निवासी हैं, मूल निवासी इस देश के आदिवासी संथाल, जिन्हें हम आज के डेट में शूद्र बोलते हैं, जिन्हें हम आज के तारीख में दलित बोलते हैं, वो इस देश के रियल देशवासी हैं। मेरे भाई, खैर एक लंबी बात होकर नहीं जाऊंगा, तो 26 जनवरी 1950 को इस देश में कानून नाफिज किया गया। 3 साल में कानून बना और बहुत अच्छा खूबसूरत कानून बना, बहुत अच्छा, सबका इसमें सबकी रियायत की है। टोपी वाला, दाढ़ी वाला नमाज पढ़ेगा तो संविधान कहता है कि पढ़ सकता है। अगर कोई मुसलमान मदरसा चलाए, कुरान की तालीम दे, नबी पाक अली सलाम की सीरत बच्चों से पढ़वाए तो दे सकता है, संविधान कहता है। अगर कोई हिंदू भाई मंदिर में घंटा बजाए, अगर कोई हिंदू भाई गायत्री मंत्र पढ़े, अगर कोई हिंदू भाई साष्टांग करे, प्रथमादारका जीवा दियो दिदियन मुझियते, अगर साष्टांग करे या 8 अंग के ऊपर कोई पूजा करे, पाठ करे, अगर कोई हिंदू भाई सूर्य नमस्कार करे तो कर सकता है, इस देश में संविधान ने उसको इजाजत दी। अगर कोई सिख आदमी गुरु नानक के लिए मूल मंत्र पढ़े और वो साफ लफ्जों में कहे, गुरुद्वारे के अंदर गुरु नानक गुरु गोविंद सिंह की पूज्य प्रार्थना करे तो वह कर सकता है। एक ओंकार सतनाम करता दुख नरमु नरवीर अकाल मूर्त, वो पढ़ सकता है, संविधान कहता है। जब भारत के संविधान ने सबको अपने अपने मजहब पर अमल करने की इजाजत दी, जब भारत के संविधान ने सबको अपने अपने मजहब के मुताबिक मदरसा चलाने की इजाजत दी है, तो कौन होता है मदरसे में ताला लगाने वाला? कौन होता है मदारिस के ऊपर जुल्म सितम ढाने वाला? नहीं चलेगी ये चीज, हमारे संविधान इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं देते। ये 26 जनवरी मनाया हमने, पूछो इन लोगों से जो मदारिस बंद करते हैं, ये 26 जनवरी कैसे मिला? हमारा देश आजाद हुआ तब जाकर हमको 26 जनवरी मिला, और ये देश कैसे आजाद हुआ? पूछे इन लोगों को जो लोग हमारे मदरसों को बंद करने की बात करते हैं, उनके घरों में क्या मिलेगा? ज्यादा से ज्यादा अतर की शीशी मिल सकती है। उनके घरों में क्या मिलेगा? ज्यादा से ज्यादा कुरान करीम का नुस्खा मिल सकता। उन हमारे मदारिस में क्या मिलेगा? टूटी हुई चटाई मिल सकती। हमारे मदारिस में क्या मिलेंगे? 10 लाख सूट पहनने वाले मुफ्ती साहब नहीं, बल्कि 50 मीटर वाला कपड़ा पहनकर, लुंगी पहनकर बैठे हुए मिल जाएंगे तुम्हें। हमारे मदारिस के अंदर 10 लाख रुपए का सूट वाला कोई ऐसा अधिकारी नहीं बैठा हुआ होता, बल्कि एक हाथ से लाते हैं आराम से मांगकर, दूसरे हाथ से बच्चों को लुटा देते हैं। लो बाबू खा लो, यही तुम्हारे लिए है। ये होता है हमारे मदरसों में। लेकिन ये मत समझना तीन टूटी हुई चटाई पर बैठने वाला कमजोर होता है। भूल भूल के हो तुम, 1857 की जंग आजादी के अंदर कोई माय कलार खड़ा नहीं था अंग्रेज के सामने। सबसे पहले अगर सरदार सर पर कफन बांध कर कोई खड़ा था तो मौलाना कासिम नानोत्वी रहमतुल्लाह अलैह खड़े थे। मौलाना कासिम कहां से पढ़े थे? मदरसे से पढ़कर निकले थे। मौलाना रशीद अहमद गंगोही अंग्रेज के सामने खड़े थे, कहां से पढ़कर निकले थे?
निकाली गई हो, हमारे मदारिस में बच्चे मासूम बच्चे कुरान करीम की तालीम हासिल कर रहे थे, लेकिन जब इस देश को आजाद करना था, अंग्रेज से इस देश को बचाना था, तो उस वक्त हमारे मासूम बच्चों को उठाकर भाल के तौर पर इस्तेमाल किया था। हमें गरिमत जानना चाहिए हमारे उलमा इकराम के वजूद को, हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए। हुफ्फाज़े कराम उलमा इकराम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक नेमते उज़्मा है हमारे बीच में। मैं कोई आलिम दीन अपने आप को नहीं कहता, मैं एक अदना सा तालिबे इल्म हूँ। दारुलूम देवबंद से मेरी फरावत सन 2011 और 12 के अंदर हुई है। मेरा शौक, अभी मैंने आपके सामने दो चार कुछ लोग पढ़े, ये मेरा शौक है कि कुछ लोग जो आज इल्जाम लगाकर किसी मस्जिद के मीनारे को तोड़ देते हैं, मस्जिद में ताले डाल देते हैं, किसी हाफिज को देखा रास्ते में तो उसको मारने लगते हैं, बुरा भला कहने लगते हैं, दाढ़ी देखी तो दाढ़ी की दाढ़ी पकड़ कर बेइज्जती करते हैं। तो इनके ऊपर मुझे बड़ा कलक होता है और मैं बयान करता हूं कि इन तमाम चीजों का वजूद उन लोगों के ग्रंथों में है जिन लोगों को बहका दिया गया। हमारे हिंदू भाई तशद्दुद परस्त नहीं, उनमें से एक तबका ऐसा है जिसको बना दिया गया। पूरी दुनिया के अंदर कहीं ऐसा निजाम ही नहीं है जो निजाम इस्लाम के अंदर है कि वो अपने धार्मिक अपने ईश्वर की बातों को सीखते और सिखाते हैं। और अल्लाह के नबी ने कहा खैरुकुम मन ताअल्लमल कुरान व अल्लमा, आप में सबसे बेहतर वो है जो कुरान करीम को सीखता और सिखाता है। कितनी अच्छी बातें कही अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। यही बात वेदों में भी है। श्री मोहन भगवत जी से जब हमारी बातचीत हुई थी तो उस वक्त हमने कहा था कि सर कुरान हमारे सीने में, इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर बाय हार्ट और कुरान करीम, छोटे छोटे बच्चे इसको याद कर लेते हैं, बहुत आसान। मानवता की बात,
दूसरों को सही रास्ते पर चलने का ज्ञान वो तो आपके ग्रंथ के अंदर भी मौजूद है। तब बात हुई थी, सब हमने मंत्र श्लोक पढ़ा था, समझाया था। जैसे ये नमाज की बात है, हम लोग नमाज पढ़ लेते हैं तो बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई नमाज का तज़किरा क्या आपके कुरान में है। नहीं, नमाज का तज़किरा श्री रामचंद्र जी ने श्री हनुमान जी को भी बताया। क्या कहा? प्रथमादारका, प्रथम मतलब पहला, प्रथमादारका पहले नंबर पर सीधे खड़े हो जाओ। और नमाज में जब हम नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले क़याम यानी सीधा खड़ा होना, प्रथमादारका पहले नंबर पर सीधे खड़े हो जाओ। दियुदियन मुजियते दूसरे नंबर पर थोड़ा झुको, हम झुकते कब हैं? जब रुकू करते हैं। तृतीयानं कोडला काट तीसरे नंबर पर कुंडली मार कर बैठ जाओ। कुंडली मार कर बैठने का मतलब क्या कहा गया कि तुम कायदा पूरा करो चतुर्थ देव चंद्र का पंचम मिलु संयुक्ता। तुम एक अच्छे इंसान की तरह शरीर इंसान की तरह बैठ कर गुणगान करो ईश्वर पर। कौन कह रहे हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी श्री हनुमान जी को कह रहे हैं। क्या बता रहे हैं? बिल्कुल सेम वही तरीका बता रहे हैं जो तरीका हमारे नमाज में पाया जाता है। इसलिए हमने उनको कहा कि जो लोग एतराज करते हैं कुरान पर और कुरान पर एतराज करके मदारिस को निशाना बनाते हैं, वो आए हम उनको दिखाते हैं कि हमारे कुरान में क्या लिखा, हदीस में क्या लिखा, सहाबाए कराम की जिंदगी के अंदर कौन सी कितनी अच्छी बातें कही गई है जो आपके यहाँ पाई जाती है। अकीमुस्सलाह नमाज कायम करो। मेरे भाई मुजरिम हम लोग भी हैं, हम लोग भी मुजरिम हैं। मुसलमान तो हैं, कंप्लीट मुसलमान नहीं, नाम के मुसलमान। नमाज पाबंदी से हम नहीं पढ़ते। देयर आर फाइव पिलर्स ऑफ इस्लाम। ईमान के बाद सबसे पहला फरीजा क्या है? टू ऑफर सलाह फाइव टाइम्स अ डे, 24 घंटे में 5 वक्त की नमाज। इट्स योर ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, या आपकी बड़ी जिम्मेदारी है। नमाज पढ़ने के लिए कोई मालदार होना जरूरी नहीं है, नमाज पढ़ने के लिए कोई उद्योगपति होना जरूरी नहीं है, हज करने के लिए ज़कात देने के लिए कुछ शराइत है, मालदार होना जरूरी है उसमें भी कुछ शराइत है, रोजा रखने के लिए भी सेहतमंद का होना बहुत ज्यादा एकदम बिल्कुल मौत के करीब है, उनका भी एक अलग मसला है। ईमान के बाद नमाज, रोजा, हज, ज़कात, देयर आर फाइव पिलर्स ऑफ इस्लाम। इनमें से हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह वी बिलीव इन वन गॉड, हम एक अल्लाह को मानते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये हमारा मूल मंत्र है, ये हमारा ब्रह्म सूत्र है, ये हमारा बेसिक, हमारा अकीदा इस बात पर है कि हमारा अल्लाह एक है, अल्लाह ही माबूद है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल, इस बात को मानते हैं। उसके बाद सबसे पहला अमल नमाज। नमाज हमारी नौजवानों की जिंदगी में नहीं पाई जाती। नौजवानों, नमाज का वक्त होता है तो आप मोबाइल में फेसबुक में चले जाते हैं, पेज बनाते हैं, ग्रुप में पता नहीं क्या क्या शेयर करते हैं, व्हाट्सएप यूज करते हैं। अगर इतनी देर आप कुरान करीम अगर आप पढ़ना जानते हैं तो तिलावत कर लें, अगर आप नहीं जानते तो मदरसे में चले जाएं, मकतब में चले जाएं, किन्हीं किसी आलिम दीन के सामने आधा घंटा बैठकर कुरान करीम को सीखने के लिए आप जस्तजू कीजिए तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला ने अलग नूरानियत आएगी। सड़कों पर बैठ जाते हैं, दुकानों में बैठ जाते हैं, अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा हम लोग अनाथ शनाथ कामों के अंदर बिगाड़ देते, खत्म कर देते, अपना फ्यूचर प्लान नहीं करते हम लोग, अपना मुस्तकबिल के बारे में सोचते ही नहीं कि हमें क्या करना है। सोचा कीजिए, आप नहीं बल्कि आपके अलावा और कौम है जो अपना मुस्तकबिल तय करते हैं। उनका बच्चा 6 साल 5 साल का होता है जो अपने बच्चों के भविष्य लिखते हैं, मुस्तकबिल लिखते हैं। आज हमारे बच्चों की हम तरबियत नहीं कर पाते, उनको हम मुस्तकबिल में वो क्या करेंगे, उनके लिए मंसूबा बंद हम काम एक अमल नहीं दे पाते। मेरे भाइयों, मैं तो यही कहूंगा आप लोगों से, अपने नौजवानों से, कि अगर आप कुरान पढ़ना जानते हैं,
बहुत अच्छी बात, ज्यादा से ज्यादा तिलावत कीजिए, अगर नहीं जानते हैं तो कुरान करीम की तालीम हासिल कीजिए। साइंस आपका कुरान से निकला हुआ, मैथ आपका कुरान से निकला हुआ, तिब आपका हिकमत कुरान से निकला हुआ, कौन सा ऐसा काम नहीं जो कुरान से नहीं निकला। यही वजह है कि बहुत बड़ा ऑफिसर, तुर्की का एक ऑफिसर ने कहा कि जिस बंदे में दो तालीम आ जाए, कुरान की और साइंस की, पहली बार तो कुरान की जब तालीम आ जाए, कुरान पढ़ना आ जाए, तो उनके अंदर दुनिया की सारी चीजें आ गई। लेकिन वो प्रोफेसर है, अपने हिसाब से बात उन्होंने लिखी, उन्होंने लिखा कि जिस बंदे में कुरान की तालीम है और साइंस भी पढ़ना जानता है। साइंस क्या है? वंजल हदीद फीही बासुन शदीद, साइंस है। वयखलुकु मा ला तालमून, साइंस की तरफ दलालत करती है ये आयत है। तफसीर में जाएंगे तो उलमाए किराम बताएंगे। साइंस पढ़ना सीखना गलत नहीं है, उसका इस्तेमाल गलत करना गलत है। इंग्लिश मीडियम में बच्चों को भेजकर तालीम देना गलत नहीं है, बल्कि अंग्रेजियत को इख्तियार कर लेना, उसके कल्चर में ढल जाना, वो गलत है। वरना अंग्रेजी जुबान भी अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से हो सकती है। इख्तिलाफ अलसिनतिकुम व अल्बानिकुम, तो उस प्रोफेसर ने लिखा कि जिस बंदे के अंदर कुरान की तालीम और साइंस की तालीम आ गई, उसके अंदर हमदर्दी ज्यादा बढ़ती, उनके अंदर इंसानियत, रहमदिली, काइंडनेस, ह्यूमन बीइंग, ह्यूमैनिटी, मानवता ज्यादा आ जाता। जब मैंने ये लिटरेचर अभी दो तीन दोस्त मैंने पहले जब पढ़ा, तो उसके बाद मुझे फिर मैंने दुनिया की तरफ थोड़ा ध्यान लगाया, तो मुझे महसूस हुआ कि शायद किसी न किसी दर्जे में उसका ये लिटरेचर, उसकी ये बात सही है। कैसे देख लीजिए, आपके भारत के एक बहुत बड़ा महान साइंटिस्ट गुजरा, बहुत बड़ा ज्ञानी, उससे बड़ा साइंटिस्ट भारत में दुनिया में कोई नहीं हुआ आज तक। वो कुरान पढ़ना जानते थे, साइंटिस्ट भी थे, कुरान पढ़ना भी जानते। कौन है वो? आप कहेंगे कि कोई ऐसा वैसा नाम होगा, नहीं, अभी अभी पास के अंदर, माजी बईद नहीं बल्कि माजी करीब नहीं, अभी उनका निधन हुआ, इंतकाल हुआ। उस साइंटिस्ट का नाम, उस वैज्ञानिक का नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये दुनिया का बड़ा साइंटिस्ट है। क्यों बड़ा है? ये जमीन से लेकर आसमान, चांद तक, दुनिया में बहुत सारे मुल्क ने तैयारी की, जहाज भेजे, लोगों को भेजा, 500 करोड़, 1000 करोड़ का खर्च लगता था। लेकिन आज तक जितने भी मुल्कों ने जहाज बनाकर आसमान चांद पे भेजा, उनका जितना खर्च आता था, मिसाल के तौर पर 1000 करोड़ का खर्च आता था, तो ये दुनिया का वाहिद साइंटिस्ट है कि जिसने ऐसी ही जहाज बनाकर आसमान में, मंगल में आदमी को पहुंचाया। 1000 करोड़ रुपए खर्च करके नहीं, बल्कि सिर्फ 500 करोड़ रुपए की लागत से आसमान के जरिए चांद पर आदमी को पहुंचाया। यानी आधे खर्च में, सबसे कम खर्च में आसमान में, मंगल में जाने वाला साइंटिस्ट, उसकी टीम का नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अच्छा, उनके अंदर कौन सी बात थी ऐसी हमदर्दी वाली, कौन सी बात थी ऐसी जो नर्म लगता हो, अच्छा लगता हो लोगों को? आपके इसी आसाम के करीब में मेघालय, मेघालय गुवाहाटी से निकलते हैं वो मेघालय के लिए, और उन्होंने सामने देखा कि एक जवान, हिंदुस्तान का मिलिट्री का एक नौजवान मिशन गन थामे हुए, वो राष्ट्रपति भी बने, एक मिशन गन थामा हुआ खड़ा है, तो डॉक्टर साहब को देर से देख रहे, कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा हो गया। डॉक्टर साहब ने कहा कि ये कौन है? किसी ने कहा कि सर ये आपके प्रोटेक्शन के लिए, आपकी हिफाजत के लिए कोई दुश्मन हमला न कर दे। उन्होंने कहा तो खड़ा क्यों है ये? कहा कि सर उसकी ड्यूटी ही खड़ा करने होने की है। उन्होंने कहा गाड़ी रोको, गाड़ी रुकवाई, पूरी टीम को रुकवाया, पूरे काफिले को रुकवाया, और उस नौजवान के पास खुद से चल करके गए और उनको कहा कि तुम क्यों खड़े हो? कहा कि सर आपकी प्रोटेक्शन के लिए, आपकी हिफाजत के लिए, यू आर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आप राष्ट्रपति हैं,
आप कौन है सर? आप वो है, जब तक आपका सिग्नेचर नहीं होगा तो कोई कानून नहीं बन सकता। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दे दे लेकिन जब फांसी की सजा सुना दे सुप्रीम कोर्ट लेकिन आपका सिग्नेचर नहीं होगा तो उसको फांसी नहीं हो सकती। यू आर राष्ट्रपति, आप प्रेसिडेंट हैं, आपकी रक्षा करना हमारी दायित्व है ताकि हमारी रक्षा हमारा अल्लाह करता है। तुमने ये काम करो, तुम ढाई घंटे से खड़े और मेरे पास बैठो, उनको बुलाकर हाथ पकड़ कर अपनी गाड़ी में लेकर के आए और जब तक साथ रहे, जब तक हमारे भाषण की स्पीच पूरी नहीं हुई तब तक वो साथ में रहे और उस लड़के को साथ में बिठा करके रखा। ये होती है हमदर्दी, ये होती है मानवता, ये होती है ह्यूमैनिटी। तो हमको पता चला वो कुरान भी पढ़ना जानते थे और वो साइंस भी जानते थे, बल्कि इस दुनिया का सबसे महान साइंटिस्ट थे वो। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप अपने बच्चों को हाथ में कुरान बनाइएगा, इन मदरसों के अंदर भेजकर। देखिए मेरा मूड और मेरा जो मेरी जो आदत है वो थोड़ी लंबी बात करने की है, तो इसीलिए अगर मौका मिला तो मैं मगरिब बाद में कुछ देर बैठ कर सीरत रसूल के ताल्लुक से बात करूंगा इंशाअल्लाह। लेकिन अभी तो मैं आप लोगों से इतना वादा लेना चाहता हूँ, क्योंकि अब बस अजान होना करीब है, वजू भी आप लोगों को करना है। आप अपने बच्चे को फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप अपने बच्चों को कुरान की तालीम दीजिए। हाफिज कुरान बनाइए, हाफिज कुरान बनाइए सब। अगर आप चाहते हैं कि नहीं आपका बच्चा एकेडमिक क्वालिफिकेशन पढ़े, डॉक्टर इंजीनियर पायलट बने तो करा सकते हैं। हाफिज कुरान बनने के बाद अगर वो उन चीजों की तैयारी करेगा ना तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ कि और जल्दी पास होता इंशाअल्लाह। अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाएंगे, हाथ उठाइए। बहुत बहुत तो चलिए मदरसे में बनाएंगे ना हाफिज कुरान, आप मदरसे के लिए कुछ तआवुन पेश कर दीजिए। ये मदरसा चलेगा कहाँ से? हम लोग कहाँ से निकलेंगे? मदरसे से निकले? अरे दाल रोटी खाकर चावल वावल खाकर हम लोग पड़े हैं। तो इसलिए आप लोगों से ताबुन की दरख्वास्त है, ये कार्टून यहाँ रख दीजिए भाई, ये कार्टून रख दीजिए, इसके अंदर ताबुन पेश कीजिए। 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 का नोट नहीं 2000 का नोट भी डाल सकते हैं। चलिए अब बात यहीं तक मेरी हो गई है आपके सामने में कि अपने बच्चों को आप जो कुरान बनाएंगे तालीम दे भाई दे करके जाए, इसमें दे करके जाए। मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ, ये मदरसे के लिए मांग रहा हूँ जहाँ अल्लाह के रसूल के मेहमान पढ़ते हैं। ये बच्चे पढ़ने वाले मेहमान आने रसूल होते हैं, इसलिए आए आए सब लोग आकर के ताबुन पेश करें। जी दे करके जाए भाई, देखिए निकल जाए, निकल जाए, निकल जाइए। इस कार्टून में भी डाल सकते हैं। आइए माशाल्लाह अल्लाह आपके देने को कबूल फरमाए। भाई तकरीर सुन लिए लेकिन इस पर अमल भी होने चाहिए। ये मजारे चलेंगे आपके ताबून से, जरूरी नहीं है कि आप